सन 2100, मानव जाति सालों से एलियंस की तलाश कर रही है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे अभियान भी दुनिया की सरकारों ने शुरू किए हैं। विज्ञान तो सालों से प्रगतिशील रहा है और इंसानियत आज टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, फिर भी अभी तक इंसानों की एलियन की तलाश खत्म नहीं हुई है और ना ही आज तक किसी विकसित एलियन प्रजाति का अता पता मिला है। पृथ्वीवासी अभी मंगल के निवासी भी बने हैं और पृथ्वी से कुछ लोग मंगल पर भी जाकर बसे हैं। मार्स कॉलोनाइजेशन तो साल 2035 से ही शुरू हो चुका था और भूतपूर्व जीनियस पर्सन एलोन मस्क के द्वारा मार्स पर नुवा नाम का एक शहर भी बसाया गया था जो आज फल फूल रहा है। और मंगल ग्रह पर इस शहर की जनसंख्या आज 100,000 से भी पार हो चुकी है। बीते साल यानी कि सन 2099 में एलियन के अस्तित्व की कुछ जानकारियां मिली थी। हमारे सोलर सिस्टम से ठीक 25 प्रकाश वर्ष दूर अभिजीत यानी कि वेगा नाम का तारा है और इस अभिजीत यानी वेगा तारामंडल में 7 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक प्लैनेट हूबहू पृथ्वी की तरह है, जहां पर पानी भी मौजूद है। हमारे वैज्ञानिक सालों से इस तारामंडल पर रिसर्च कर रहे थे और हमारे वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस वेगा तारामंडल में जो पृथ्वी जैसा ग्रह है जिसका नाम है P3, वहां पर जीवन होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ऊपर से ये तारामंडल और ये प्लेनेट बहुत पुराने हैं और इसके आसपास दूसरा कोई हैबिटेबल प्लेनेट भी नहीं है, इसीलिए इस P3 नाम के प्लेनेट पर अति बुद्धिशाली जीवों के पनपने की भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। हमारे वैज्ञानिक सालों से इस वेगा तारामंडल पर एक मिशन भेजने का आयोजन कर रहे थे ताकि हम इंसान वहां जाकर ये जान सके, ये समझ सके कि वेगा तारामंडल में वहां के 7 प्लैनेट्स कैसे हैं और प्लैनेट P3 पर जीवन सृष्टि किस तरह से पनपी है। हाँ, ये मिशन अपने निश्चित समय से थोड़ा डिले हो गया है और इसके डिलेड होने का कारण था स्पेस टाइम वॉर्प टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों का एक पर एक्सेलेंट आविष्कार है और इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग लंबे समय तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वेगा तारामंडल पर जाने का हमारा मिशन थोड़ा डिले हो गया। वेगा सिस्टम हमसे 25 प्रकाश वर्ष दूर है और अगर यहाँ से वहां हम प्रकाश की स्पीड से जाए तो भी 25 साल लगेंगे और वहां पर सिर्फ अपनी मुंह दिखाई करके वापस भी आ जाए तो हमें वापस आने में और 25 साल लगेंगे। ऐसे किसी इंसान के 50 साल बीत जाएंगे और वो भी प्रकाश की स्पीड पर जाने पर। लेकिन स्वाभाविक है कि हम लाइट की स्पीड से नहीं जा सकते हैं। हाँ, लाइट की स्पीड से 99% स्पीड से जा सकते हैं और इस गति से भी वहां जाने में सालों लग जाएंगे। लाइट स्पीड ब्रह्मांड की एक कुदरती तय सीमा है, आप किसी भी संजोग में इसे पार नहीं कर सकते हैं। साइंस फिक्शन के लेखकों की कल्पनाओं में भी स्पीड के इस बैरियर को पार करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसमें एक स्पेस टाइम वॉर्प टेक्नोलॉजी नए आविष्कार के रूप में ऐड हुई है और विज्ञान आज पहले के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा विकसित हो चुका है। स्पेस टाइम वॉर्प टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि अंतरिक्ष यान के फ्रंट में यानी कि उसके आगे 50 मीटर तक लंबा एक बहुत बड़ा मशीन या युग है कि एक अत्याधुनिक इंजन बनाया जाता है और इस मशीन में छोटे छोटे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाले नैनो फिल्टर्स और नैनो मशीन्स फिट किए गए हैं और ये मशीन जब स्पेस में अपनी गति पर चलेगा तो अपने आगे एक बहुत ही छोटा नैनो ब्लैक होल का निर्माण करके स्पेस टाइम में एक मरोड़ पैदा करेगा और ये स्पेस शटल जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे टाइम में मरोड़ पैदा होती जाएगी और वो अपने समय से और ज्यादा स्पीड से आगे गति कर पाएगा और इस टेक्नोलॉजी से 100 साल का समय भी सिर्फ 30 सालों में पूरा हो सकता है और वो भी कॉस्मिक स्पीड लिमिट के नियम को तोड़े बिना और अपने जीवन के 30 साल को स्पेस में कुर्बान कर सके ऐसे एस्ट्रोनॉट्स भी हमें मिल गए हैं। और आखिरकार आज साल 2100 में वो दिन आ गया है जब हमारी पृथ्वी से इंसान वेगा तारामंडल पर जाएंगे और इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन वेगा। पूरे विश्व की ओर से मिशन वेगा को सफल करने की जवाबदारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने उठाई है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री वेगा तारामंडल पर भेजे जाएंगे, जिनमें से 2 भारतीय होंगे, एक अमेरिका से होगा और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जिनमें भारत से कैप्टन मंत्रा और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कैप्टन कविता है, अमेरिका से कैप्टन जेम्स स्कॉट है और यूरोप से कैप्टन डेव रेमन है।
पृथ्वी से ये चार साहसिक अंतरिक्ष यात्री अनजान दुनिया की खोज में निकल पड़े और सतत 30 साल तक होने वाली अवकाशी सफर के मानसिक और शारीरिक परिणाम भी उन्हें अंतरिक्ष में भुगतने होंगे। मिशन वेगा पृथ्वी से वेगा तारामंडल की ओर पूर्व जोश से रवाना हुआ। स्पेसशिप पृथ्वी से होती हुई चांद के पास से गुजरी और वो फुल स्पीड हासिल करने लगी। इस दरमियान इसका अगला इंजन शुरू हुआ और स्पेस टाइम में मरोड़ के कारण वो बेहद स्पीड से वेगा स्टार सिस्टम की ओर बढ़ने लगे। पृथ्वी से निकले इस स्पेसशिप को महज एक साल ही हुआ था कि अंतरिक्ष यात्रियों के बीच अंदरूनी कलेश होने लगे। ये एक इंसानी फितरत है और इस फितरत के सामने अंतरिक्ष यात्रियों को लड़ना था। इन सभी की ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी परिस्थिति का सामना करना बहुत ही कठिन था। पर फिर भी कुछ भी करके अपने ह्यूमन नेचर पर कंट्रोल रखकर और एक दूसरे का हो सके उतना सपोर्ट करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में 10 साल निकाल दिए। लंबे समय तक नींद की अवस्था में जाने का विकल्प इन अंतरिक्ष यात्रियों के पास था, लेकिन इसे हो सके उतना इन्होंने टाला, क्योंकि शरीर को लंबे समय तक सुलाए रखने के गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। और इसलिए इस अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट में उन्होंने अपने होम प्लेनेट पृथ्वी की दिनचर्या को फॉलो किया और खुद को सुलाने का प्लान कैंसिल कर दिया। एस्ट्रोनॉट्स इस सफर में बारी बारी से सोते थे और इस सफर में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए। इस लंबे सफर में अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद का मनोरंजन करने के लिए अपने परिवार के वीडियोस देखे, एंटरटेनमेंट की मूवीज देखी और एक दूसरे को हो सके उतना साथ देकर मनोरंजित करते रहे। फिलहाल वो डीप स्पेस में सफर कर रहे थे। उनका पृथ्वी से वेगा स्टार सिस्टम तक पहुंचने का वन वे सफर करीब 12.5 सालों का था और उन्हें पृथ्वी से निकले हुए करीब 10 साल बीत चुके थे और वो अपनी मंजिल से वक्त के फासले में करीब 2.5 साल दूर थे। इस जगह से पीछे देखने पर हमारा सोलर सिस्टम कहीं नहीं दिख रहा था, बस ढूंढने पर एक छोटे से तारे जैसा बिंदु दिख रहा था जो हमारा सूरज था, जो कई सारे चमकीले तारों में से बस एक था। पृथ्वी का ये अंतरिक्ष यान अवकाश में डीप स्पेस में अंधकार के बीच से गुजर रहा था। यान में सिर्फ कैप्टन कविता जाग रही थी और तीनों क्रू मेंबर सो रहे थे। अंतरिक्ष में दिन और रात जैसा कुछ नहीं होता है, बस चारों ओर अंधकार होता है। कैप्टन कविता अपने इस सफर का बारीकी से कैलकुलेशन कर रही थी और अचानक उन्हें लगा कि कोई चीज उनके स्पेसक्राफ्ट के स्पीड में बाधा उत्पन्न कर रही है। कैप्टन कविता ने कंप्यूटराइज पूरे यान को चेक किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक भी था। इसके बाद कविता ने आउटर स्पेस में देखा तो बाहर कोई बड़ा ग्रह या बड़ा तारा भी नहीं था, फिर भी कोई चीज अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींच रही हो ऐसा लग रहा था। उस चीज का ग्रेविटेशन और बढ़ रहा था। कविता ने तुरंत कैप्टन इंचार्ज मंत्र को और बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स को नींद से जगा दिया। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे आसपास अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इतनी सारी ग्रेविटी कहां से आ रही है, कविता ने कैप्टन मंत्र से पूछा। कैप्टन मंत्र ने मेन लाइन संभालते हुए एक्सरे डेटा को एक्टिवेट किया और उन्होंने पाया कि खाली स्पेस में किसी करीबी जगह से एक्सरे किरणों की पूरी बाढ़ आ रही है। ये देखकर कैप्टन मंत्र शॉक हो गए। वो बोल पड़े कि इतने सारे एक्सरे डेटास, दैट मीन्स कि हमारे आसपास जरूर कोई ब्लैक होल है। ये सुनकर और तीनों अंतरिक्ष यात्री की आंखें फटी की फटी रह गई। कैप्टन मंत्रा बोले, कैप्टन स्टॉक, जल्दी ही हमारे यान की दिशा बदल दो। स्टॉक बोले, जी सर, मैं अभी करता हूँ। कैप्टन मंत्रा बोले, जल्दी से इस यान को हो सके इतना यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो हम हमारे ग्रह पृथ्वी पर वापस कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कैप्टन कविता भी ये सुनकर स्तब्ध थी। उन्होंने भी थियरी में पढ़ा था कि ब्लैक होल के आसपास के इवेंट होराइजन में टाइम कितना धीमा हो जाता है। यान में चारों अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने ब्लैक होल और उसकी थियरी को पढ़ा तो था, लेकिन जब इसका प्रत्यक्ष सामना हुआ तब उन्हें पता चला कि यह कितना खतरनाक होता है। वो लगातार यान को भगाते रहे और कुछ समय बाद उनका यान कोई पारलौकिक ग्रेविटेशन पुल के बाहर आ गया और अब इस जगह पर वो लोग सेफ थे। थैंक गॉड, हम महामुसीबत से बाहर निकल गए, कविता ने लंबी सांस लेते हुए कहा। फिर कविता ने कैप्टन मंत्र से पूछा कि सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम किसी ब्लैक होल के पास थे तो ब्लैक होल के आसपास उसकी बॉर्डर पर कोई रोशनी क्यों नहीं दिखाई दी? ब्लैक होल आखिर इतना अदृश्य कैसे हो सकता है?
कविता, मैं मानता हूँ कि इस तारे की मृत्यु अपना पूरा ईंधन खत्म करके अभी हाल ही में पिछले कुछ हजारों सालों में हुई होगी और ब्लैक होल प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देता। पर लेकिन इस ब्लैक होल के आसपास कोई चट्टान, कोई खड़क, कोई ग्रह या कोई ऐसा तारा नहीं है जिसे ये ब्लैक होल खा जाए और उसके इवेंट होराइजन में फंसने से पहले कोई रोशनी पैदा करे। इसके कारण ये ब्लैक होल पूर्णतः अंधकार में था और हमें इसकी भनक भी नहीं लगी, कैप्टन मंत्र ने अनुमान लगाते हुए कहा। और उसके बाद वो वेगा स्टार सिस्टम की ओर अपने यान को ले गए। ऐसे और कुछ दिन बीते और एक रोज जब ये लोग अंतरिक्ष में सफर कर रहे थे तभी उनके पास में से कोई और एक यान सुपर फास्ट गति से उनकी ओवरटेक करते हुए गुजरा। कैप्टन मंत्र स्तब्ध हो गए। चारों पृथ्वीवासी कुछ सोच समझ पाते इससे पहले तो वो अज्ञान यान पृथ्वी के यान पर लेजर हमला करने लगा। चारों कैप्टन्स ने अपनी कमान संभाली और अपने स्पेसक्राफ्ट को बचाने लगे। कैप्टन मंत्रा जैसे तैसे अपने अंतरिक्ष यान को ऊपर नीचे करके बचाते हुए उस यान से दूर ले गए। सर ये क्या है, ये स्पेसक्राफ्ट अचानक कहां से आ गया, जेम्स स्टॉक ने पूछा। सर हम तो वेगा P3 पर पहुंचकर उस ग्रह के नजारे देखने वाले थे, उस ग्रह का आसमान देखने वाले थे, वहां की जीवन सृष्टि देखने वाले थे, पर ये अत्याधुनिक इंटेलिजेंस यान बीच में कहां से आ गया, कविता ने पूछा। कैप्टन मंत्र अपने यान को फुल स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे फिर भी वो अज्ञात एलियन यान इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये अज्ञात यान पीछे से इनके और पास आकर फिर से हमला करने लगा। कैप्टन मंत्र का यान उनका सामना कर सके इस परिस्थिति में नहीं था। चारों अंतरिक्ष यात्री डर गए थे। कैप्टन मंत्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वो परग्रही अंतरिक्ष यान तो लगातार हमले कर रहा था। अब बस लग रहा था कि बहुत जल्दी मरने ही वाले हैं। और तभी अचानक न जाने कहां से और दो अंतरिक्ष यान इनके पास आए और वो अज्ञात अंतरिक्ष यान पर हमला करने लगे और हमारे पृथ्वीवासी यान को बचाने लगे। वो त्रासवादी अंतरिक्ष यान जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर रहा था वो इन्हें देख के तुरंत भाग खड़ा हो गया। कैप्टन मंत्र और उनकी टीम कुछ समझ नहीं पा रहे थे और तभी वो दो अंतरिक्ष यान कैप्टन मंत्र के अंतरिक्ष यान के पास आए। इन अंतरिक्ष यान को देखकर लगता था कि ये कोई अत्याधुनिक और बहुत ही रेयर मटेरियल से बने हैं और इन यान के डैशबोर्ड्स पर कोई परग्रही भाषा में लिखी लिपि दिख रही थी। इस यान में से मंत्र की सिस्टम पर कुछ कमांड्स आ रहे थे। मंत्र तुरंत समझ गया कि ये कोई सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज को डिकोड करता है। मंत्र के यान में हम पृथ्वीवासियों की भाषाएं, उनका डेटा, उनका ग्रामर और बॉडी लैंग्वेज की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड थी। मंत्र ने यह सारा डेटा उन अंतरिक्ष यानों के सॉफ्टवेयर्स में भेजा और उनके सॉफ्टवेयर्स ने हमारी भाषा और हमारी बॉडी लैंग्वेज की सारी संज्ञाओं को समझ लिया। 10-15 मिनट लगी लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स ने हमारी पूरी भाषा को डिकोड कर लिया और थोड़ी ही देर में सामने से जवाब आया, हेलो मैं कैप्टन जेचार्ज हूं एंड वेलकम टू अवर स्टार सिस्टम। और उस हमलाखोर अंतरिक्ष यान के बदले जिन्होंने आप पर हमला किया हम माफी मांगते हैं, वो लोग अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कैप्टन जेचार्ज की आवाज थी जो अपने यान में अपनी लोकल भाषा में बोल रहे थे लेकिन हमारे यान में ये मैसेज हिंदी में डिकोड हो रहे थे। हेलो कैप्टन जेचार्ज, मैं कैप्टन मंत्र हूँ और हम यहाँ से करीब 20 प्रकाश वर्ष दूर सूरज नाम के तारे के पृथ्वी नाम के ग्रह पर से आए हैं, मंत्र ने जेचार्ज को जवाब दिया। आमने सामने बातचीत तो शुरू हुई लेकिन अचानक किसी अंतरिक्ष यान के किए गए हमले से हमारे पृथ्वीवासी चारों एस्ट्रोनॉट्स डर गए थे और उसमें भी अभी तक इन एलियंस की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो कैसे हो गए इसका कोई अंदाजा नहीं था। कैप्टन मंत्रा, हम आपका और आपकी टीम का हमारी स्पेस कॉलोनी में स्वागत करते हैं। हमारी स्पेस कॉलोनी यहाँ पास में ही है, आप हमारे पीछे पीछे वहां पर जरूर आइए, कैप्टन जेचार्ज ने कैप्टन मंत्र को निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण का अस्वीकार करने का भी कोई विकल्प था या नहीं ये भी पता नहीं था। कैप्टन मंत्र ने और तीन अंतरिक्ष यात्रियों के सामने देखा और आंखों के इशारों से उन्होंने हामी भरी और कैप्टन मंत्र ने भी हाँ कह दी। वो दो अंतरिक्ष यान पृथ्वी के अंतरिक्ष यान को ओवरटेक करके अपनी कॉलोनी की ओर आगे बढ़े और कैप्टन मंत्र का अंतरिक्ष यान उनके पीछे पीछे चला। करीब 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद ये लोग एक अत्याधुनिक स्पेस में तैरते हुए शहर की ओर गए। दूर तक आंख जहां तक देख सकती है वहां तक ये शहर स्पेस में फैला हुआ था। उनके इस शहर के घर, उसकी इमारतें, यहाँ का एयरपोर्ट, सब कुछ मन मोह लेने वाला था।
यहाँ पर सभी इमारतों से भी ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट इमारत थी जो एक बड़े व्हील की तरह थी और जो इस पूरे शहर के सरफेस को आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रदान कर रहा था। ऐसे गगनचुंबी विराट चक्र इस पूरे शहर में 45 डिग्री के कोण में करीब हर जगह पे बसे हुए थे। इंजीनियरिंग की ऐसी बेनमून कलाकारी को देखकर हमारे पृथ्वीवासी एस्ट्रोनॉट्स गहन सोच में पड़ गए। हमारे पृथ्वीवासी यान ने स्पेस में तैर रहे इस आधुनिक शहर पर लैंडिंग की। हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने अंतरिक्ष यान से बाहर आए। वहां कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम भी उनके स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकली। उनको देखते ही कैप्टन मंत्रा की टीम चौंक गई। ये एलियन तो करीब करीब इंसान के जैसे ही दिख रहे थे। इन्हें भी दो आंखें थी, दो कान थे, एक मुंह था। हाथ पांव और शरीर लगभग इंसान के जैसा ही था। बस डिफरेंट ये था कि वो लोग हमसे हाइट में काफी ऊंचे थे। उनकी एवरेज हाइट ही करीब 8 फुट तक होगी। और दूसरी नोंदनीय बात ये थी कि इनकी चमड़ी का रंग इंसानी चमड़ी के रंग से थोड़ा भिन्न था। मंत्र की टीम का निरीक्षण पूरा हो इससे पहले कैप्टन जचार्ज बोले, कैप्टन मंत्रा, आप हमारे मेहमान हो, इसलिए जरा भी संकोच मत करें। जीवान ग्रह के लोग आज भी उनकी मेहमान नवाजी को नहीं भूले हैं, जचार्ज ने खुद के ग्रह को याद करते हुए कहा। और इसी बात पर हमारी टीम ने ये जान लिया कि उनके ग्रह का नाम जीवान था। कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम मंत्र और उनकी टीम को उनके इस शहर की एक जगह पर ले गई जो भव्य होटल जैसी प्रतीत होती थी। पृथ्वीवासी चारों अंतरिक्ष यात्री अभी भी स्तब्ध थे और कोई गहरी सोच में डूबे थे। कैप्टन जचार्ज और उनकी टीम हमारी टीम को एक डाइनिंग एरिया में ले गई और वहां पर वो भोजन करने वाले थे। कैप्टन कविता ने मंत्र से पूछा, सर पता नहीं इनका भोजन कैसा होगा, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं। मंत्र ने कहा, देखते हैं। थोड़ी देर बाद भोजन आया जो शायद वहां की कोई लोकल वनस्पति और वहां के मसालों से घुलकर बना था। हमारी टीम ने और कैप्टन जचार्ज की टीम ने साथ में भोजन किया। बातों बातों में कैप्टन मंत्रा ने कैप्टन सचाल से पूछा, कैप्टन आपने ये स्पेस सिटी बनाई तो फिर आपके ग्रह के साथ क्या हुआ था, स्पेस सिटी को खड़ा करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था। इस प्रश्न पर जचार्ज उत्तर देते हुए बोले, हमारा ग्रह जीवान यहाँ से पास में ही है लेकिन वो अब रहने लायक नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रह के नैसर्गिक संसाधनों का सोचे बिना लगातार उपयोग किया जिसके कारण हमारे ग्रह के भंडार खुट पड़े। इस संसाधनों के उपयोग के कारण हमारे ग्रह का वायुमंडल जहरीला हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही भयानक युग शुरू हुआ और हमारा ग्रह एक भट्टी समान हो गया। हमारे लोगों ने इसके निराकरण के बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एनवायरमेंट हद से ज्यादा बिगड़ चुका था और हमारे ग्रह के करोड़ों लोगों ने इसके चलते अपनी जान गुमाई है। ये सब हुआ तब तक हमारी सभ्यता डेवलप तो हो चुकी थी, हम स्पेस मिशंस भी आयोजित करने लगे थे, फिर भी हम अपने घर को नहीं बचा सके। इसके बाद हमारे कुछ बचे कुचे लोगों को बचाने के लिए हमने इस स्पेस सिटी का आयोजन किया और कुछ बचे कुचे लोगों को यहाँ पर बसा दिया गया। आज ये हमारी चौथी जनरेशन है और मेरे साथ यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हो ये सब इसी स्पेस सिटी में पैदा हुए है। ओह, आपने बहुत कुछ सहा है, मंत्र ने इमोशनल होते हुए कहा। हाँ कैप्टन, हमारी प्रजाति ने बहुत कुछ सहा है, जचार्ज ने कहा। इसके बाद मंत्र ने पूछा, कैप्टन आपका ग्रह तो वेगा स्टार सिस्टम में नहीं है और वेगा तारे की प्रदक्षिणा भी नहीं करता है, तो आपका तारा आपका सन कहाँ है और आप लोग यहाँ से वेगा स्टार सिस्टम पर जाके सेट क्यों नहीं हो जाते। अब जीवान ग्रहवासी और पृथ्वी ग्रहवासियों के बीच एक मशीन ट्रांसलेशन कर रही थी इसलिए अब भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जवाब देते हुए जचार्ज ने कहा कि जीवान ग्रह के सारे देशों ने एक होकर ये कॉलोनी बनाई है। हमारी नजर वेगा तारा मंडल पर है लेकिन वहाँ पर जीवन सृष्टि अभी धीरे धीरे पनप रही है। वहाँ पर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी अस्तित्व में आए हैं। वहाँ पर वनस्पति भी डेवलप हुई है। वेगा तारामंडल का तीसरा और छठा ग्रह रहने लायक है लेकिन हम अभी वहाँ की जीव सृष्टि को पनपने के लिए वक्त दे रहे हैं। हम भविष्य में धीरे धीरे कुछ कुछ थोड़े लोगों को वहाँ पर बसाएंगे और ऐसे करके वहाँ की जीवन सृष्टि में कोई खलेल न पहुँचे इस तरह से वहाँ पर मूव हो जाएंगे। बात रही हमारे स्टार की, यानी कि अगर आपकी भाषा में कहे तो हमारे सूरज की। तो जब हमारे ग्रह पर
ग्लोबल वार्मिंग अतिशय मात्रा में बढ़ गया था, तब हमने हमारे सन पर एक प्रयोग करना शुरू किया और हम इस प्रयोग में उसकी ऊर्जा को कम करना चाहते थे ताकि गर्मी कम हो। और बड़े पैमाने पर हुए इस प्रयोग में एक बहुत बड़ी गलती हो गई और हमारा सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन को सप्रेस करने लगा और वो खुद में ही ढह गया। आज वो एक छोटा सा ब्लैक होल बन चुका है और आप जहां से आए वहां पर बीच रास्ते में ही वो ब्लैक होल के रूप में है। कैप्टन मंत्र समझ गए कि वो ब्लैक होल इन्हीं जीवान ग्रहवासियों का सूरज था। इतने में कैप्टन कविता बोल पड़ी कि तो फिर कैप्टन हम पे जो हमला किया वो लोग कौन थे? कैप्टन जचाल्ज बोले, हमारे ग्रह के देशों की जो सरकारों ने जब ये स्पेस कॉलोनी बनाई थी तब स्पेस में रहने का काम कुछ बड़ी कंपनियों ने भी शुरू कर दिया था। ये कंपनियां हमारे ग्रह की जायंट कंपनियां थी और इस कंपनियों के मालिक दिग्गज लोग थे। जब सरकारों ने ये कॉलोनी बनाई तब उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और ये कंपनियां और उनके लोग आज बागी बन चुके हैं। हम आज भी वेगा स्टार सिस्टम की विजिट करते हैं लेकिन वहां की जीव सृष्टि को पनपने के लिए हम समय दे रहे हैं, जबकि ये कंपनियां वहां पर तुरंत बसना चाहती है और इन कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण आज वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं और उनकी भी स्पेस में यहाँ से दूर कुछ दूसरी कॉलोनी है। कैप्टन, मैं आपको बताता चलूं कि वेगा स्टार सिस्टम का जो छठा ग्रह है वो भी कुदरती संसाधनों और खनिजों के मामले में बेहद ही समृद्ध है। वो ग्रह आपके सौरमंडल के ग्रह गुरु जितना बड़ा है, लेकिन वो ग्रह गुरु की तरह गैसो जायंट न होकर एक ठोस प्लेनेट है जहाँ पर पानी, नदियाँ, पहाड़ और मनमोहक रहने लायक जगहें हैं। एक मिनट, आप हमारे ग्रह गुरु के बारे में कैसे जानते हैं? कैप्टन मंत्र ने शंका करते हुए पूछा। और इसके साथ ही पृथ्वी के और तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सांसें 2 मिनट के लिए ठहर गई। दोस्तों चिंता मत करो, हम आपके दुश्मन नहीं है, कैप्टन जचाल्ज ने कहा। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग आपके सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कई कई बार तो हमारे पूर्वज और हम भी आपके सौरमंडल में घूमने के लिए भी आए हैं। कैप्टन मंत्र, आपके सौरमंडल में जो आखिरी प्लेनेट प्लूटो है उसके कुछ आगे स्पेस टाइम में कभी आपने बारीकी से अवलोकन किया है? क्या आपको वहां पर कभी भी स्पेस टाइम में डिस्टर्बेंस दिखा है? कैप्टन जचाल्ज ने स्माइल करते हुए पूछा। जी नहीं कैप्टन, मंत्र ने कहा। कैप्टन, कुछ चीजें कुदरती तौर पर जुड़ी हुई होती है। जब हमारा तारा एक ब्लैक होल बना तब हमारे कुछ वैज्ञानिक इसकी गहराई में जानकारी पाने के लिए उसमें कूदकर जानकारी हासिल करने के लिए भी इंटरेस्टेड थे। और जब इस प्रयोग का आयोजन किया गया और जब ये प्रयोग हुआ तो हमें पता चला कि उस ब्लैक होल ने एक वर्म होल पैदा कर दिया है और इस वर्म होल का दूसरा सिरा आपके आखिरी ग्रह प्लूटो के पास पड़ता है, कैप्टन जचाल्ज ने खुलासा करते हुए कहा। ओह, दैट्स अनबिलीवेबल, कैप्टन मंत्रा ने कहा। इतने में एस्ट्रोनॉट डेव रेमन बोल पड़े कि सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन प्लूटो अभी लघु ग्रह है, वो ग्रह की लिस्ट से बाहर है। कैप्टन जचाल्ज ने कहा, हो सकता है ये निर्णय आपने पिछले कुछ दशकों में लिया हो क्योंकि पिछले 2 दशकों में हमारा पृथ्वी पर आना नहीं हुआ है। और दोस्तों बार बार मैं ये कहता हूँ कि हम आपके मित्र हैं और जो भूल हमने की वो आप मत करना, आप अपने ग्रह की देखभाल करना। हाँ, वैज्ञानिक तरक्की और स्पेस की दुनिया में आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वो सब अपने मातृ ग्रह के भोग पर नहीं होना चाहिए, कैप्टन जचाल्ज इमोशनल होते हुए बोले। अगर आप पृथ्वी के साथ तालमेल बिठा लोगे तो पृथ्वी भी आपके साथ तालमेल बिठाएगी, और आप अगर सच में प्रगति चाहते हैं तो पृथ्वी के वातावरण की और पृथ्वी के अन्य जीवों की भी रक्षा करना, क्योंकि किसी भी ग्रह पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और सभी जीवों पर वो ग्रह निर्भर होता है। इसके साथ ही स्पेस कॉलोनीज बनाने में भी आगे बढ़ना, क्योंकि भविष्य में जब सूरज अपना ईंधन खत्म कर देगा या पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो वही स्पेस कॉलोनी आपकी प्रजाति को बचाए रखने के लिए काम आएगी, कैप्टन जचाल्ज ने जैसे कोई अपना बड़ा सलाह दे रहा हो वैसे सलाह देते हुए कैप्टन मंत्र से कहा। इतने में कहीं दूर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कैप्टन जचाल्ज की टीम ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि वो कंपनीज वाले हमले कर रहे हैं और अभी तक के 40 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला है। उतने में अंतरिक्ष में बहुत सारे यान दिखाई दिए और कैप्टन जचाल्ज की टीम और स्पेस कॉलोनी के यान भी उन यानों का सामना करने लगे। कैप्टन जचाल्ज कैप्टन मंत्र के पास आकर बोले, दोस्तों आप अभी निकल जाओ,
अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो वो मुझे कतई पसंद नहीं होगा। भले ही आपके पास स्पेस टाइम वॉर्प की टेक्नोलॉजी हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से यहाँ से पृथ्वी पर जाने में और 12-15 साल लग जाएंगे। इसलिए और एक बार मुझ पर भरोसा करें और अपने यान के साथ उस ब्लैक होल में कूद जाएं। और करीब एक आध महीने में आप अपने सौरमंडल में पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट, आपकी जर्नी शुभ रहे। कैप्टन सचार्ज कैप्टन मंत्र को अलविदा कहते हुए बोले और वो अपनी टीम के साथ उन कंपनी वालों के सामने लड़ने चले गए। इसके बाद स्पेस कॉलोनी के पिछले हिस्से से मंत्र और उनकी टीम की विदाई कर दी गई। इतनी बार विश्वास करने के बाद एक बार और विश्वास करते हुए मंत्र उनकी टीम और उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ ब्लैक होल में कूद गए। धीरे धीरे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ते हुए महसूस कर रहे थे। चारों एस्ट्रोनॉट्स डर गए थे। लगता था कि अभी सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा और वो बीम बीम में टूट जाएंगे। इसके बाद एक नशाकारक एहसास हुआ, उसके बाद स्वर्ग की अनुभूति, जाने वो बेहोश हो गए, उस अवस्था में पहुंच गए और कुछ ही सेकंड बाद उनको फिर से अंतरिक्ष दिखाई दिया। कैप्टन मंत्रा, वो देखिए प्लूटो, कैप्टन जेम्स गॉड ऊंची और बेहद खुश आवाज में बोले। वाओ, सो ब्यूटीफुल, मैंने कभी प्लूटो को इतने पास से नहीं देखा है, कैप्टन कविता ने कहा। उसके बाद कुछ समय बीता और अंतरिक्ष यात्री नेपच्यून की सुंदरता देखने में व्यस्त हो गए। अपनी टीम को खुश देखकर कैप्टन मंत्र भी बहुत आनंदित थे। लेट्स गो टू होम फ्रेंड्स, कैप्टन मंत्र ने अपना यान पृथ्वी की तरफ रवाना किया। कैप्टन मंत्र की पूरी टीम एक संदेश के साथ पृथ्वी पर आई और पृथ्वी को देखकर कैप्टन कविता बोली, कैप्टन मंत्र, ये क्या, पृथ्वी जैसे हम छोड़ के गए थे वैसी क्यों नहीं लग रही। दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दे रहा हूँ। और कैप्टन मंत्रा की टीम ने इतनी जर्नी करके वापस आने के बाद पृथ्वी पर क्या देखा होगा?